ड्रामा इंडस्ट्री तो आप बीट नहीं कर सकते। आप दोनों कैसे देखते हैं इस पीरियड को, कैसे देखते हैं? देखें, ड्रामा इंडस्ट्री को कोई बीट नहीं कर सकता इस वक्त। जो हमारा ड्रामा है ना, वो पड़ोसी मुल्क के पास भी नहीं है। वो हमारा ड्रामा देखते हैं सर, दुनिया में मैं तो कहता हूँ कहीं नहीं है, और हम उनकी फिल्म देखते हैं। और अभी भी अगर फिल्में बने, फिल्म रिवाइवल हो चुका है एक तरह का, लेकिन उस तरह नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री तब बनती है जब 15-20 प्रोड्यूसर अलग अलग फिल्में बना रहे हों। अब ये है कि साल की 2-4 फिल्में बनती हैं, और मखसूस 2-3 ग्रुप हैं हमारे जो साल में 1-2 फिल्में बना लेते हैं, वो भी उनकी हिम्मत है और वो खुद ही बनाते हैं। बाहर से जब तक प्रोड्यूसर्स नहीं आएंगे तब तक फिल्म इंडस्ट्री जो है वो आगे नहीं चलेगी, ग्रो नहीं करेगी। सर, ये आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो एक था गोल्डन एरा, फिर फिल्में गिर गई और अब जहाँ पे हम हैं, आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को, इस सफर को? मुझे लगता है कि ट्रेंड चेंज हो गया ना, अब इतना सिनेमा का ट्रेंड नहीं रहा। लोगों के हाथ में मोबाइल है, स्क्रीन पे और इतनी ऐप्स आ गई हैं, सारी काफी सारा बहुत कुछ फैल चुका है। लेकिन फिर भी फिल्म तो फिल्म है ना, पूरी दुनिया में बन रही है और चल रही है वो। बस अब ये है कि रिवाइवल तो हो चुका है, ये जो 2-3 फिल्में आई हैं, मौला जट, मनी बैग गारंटी, ये अच्छी गई हैं और लोग आए हैं, सिनेमा आए हैं। आप लोग कैसा कॉन्टेंट देखते हैं घर पे, फ्री हैं जरा? मैं तो रोने धोने का नहीं देख सकता। यानी आप ड्रामे नहीं देखते? आगे दुनिया में बड़ा गम है, जिंदगी में बड़ा गम है, दुनिया में कितना गम है। मैं तो कॉमेडी देखता हूँ, चाहे वो मुझे किसी तरह की भी मिल जाए, स्टेज की मिले या सिटकॉम हो, कोई पुराना या कोई चल रहा हो। तो मैं डू यू वॉच नेटफ्लिक्स आल्सो, Amazon? जी मैं देखता हूं YouTube। हम वैसे ना मर्डर मिस्ट्री बहुत देखते हैं। वो ये देखती हैं एक्शन, बोर नहीं होता। तो समझ पहले जो हमारे आजकल ड्रामे बन रहे हैं, आपकी नजर है ड्रामों के ऊपर, आप देखती हैं? जी जी, बहुत अच्छे बन रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूं कि जो हमारे एक्टर्स जो आए हैं, ये काफी अरसे से कर रहे हैं, काफी अरसे से मेहनत कर रहे थे, अब कुछ लोगों ने नाम बनाना शुरू किया है अपने काम से और बहुत अच्छा कर रहे हैं। फेवरेट एक्टर तो बताएं हमें ड्रामों के आजकल, जिनको आपका काम पसंद करनी है या जो ड्रामे आप देख रही हैं। मुझे काफी सारे एक्टर्स पसंद हैं, मुझे सजल बहुत पसंद है और मुझे इकरा अजीज का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, I'm sure उनको बड़ी इंस्पिरेशन और एनकरेजमेंट मिलेगी आपके। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। और मेल में कोई? मेल में मुझे फिरोज खान पसंद हैं और उसके अलावा इमरान अशरफ जो है वो कैरेक्टर बहुत अच्छा करते हैं, सबा कमर कैरेक्टर बहुत अच्छा करती हैं। सबा कमर? अच्छा, हाँ जी। मैं भी शहजाद, मैं भी शहजाद बहुत और अच्छी लगती हैं। ये जो लड़के लड़कियां आजकल आए हैं ना, इनके लिए मैं आपको कहूँगा, अगर कंटिन्यू फिल्में बन रही हो ना तो ये भी बहुत ज़बरदस्त काम करें। फिल्में नहीं बन रही तो टीवी का ही काम कर रहे हैं। मैं इनको कहता हूँ कि ये बड़े खतरनाक एक्टर हैं। अच्छा, हाँ जी। वो क्यों खतरनाक? मतलब बारीक एक्टर हैं, मुश्किल है इनके साथ काम करना। ये बहुत समझदार हैं, इन्होंने बड़ा कुछ देखा हुआ है, बड़ा कुछ पढ़ा हुआ है। अच्छा, हाँ हाँ, बहुत सबकी नहीं कह रहा, कुछ लड़कियां कुछ लड़के तो नाम लेना बड़े खतरनाक, सबके एकदम नाम नहीं, तस्वीरें शक्लें जेहन में आ रही हैं, नाम नहीं आ रहे फौरन। जो इन्होंने नाम लिए ना, वो इकरा बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट, बहुत कमाल है। मैंने पूरा कोई ड्रामा नहीं देखा, कुछ क्लिप्स देखे हैं। सबा जो है ना, सबा तो ऑलराउंडर है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात।